जय हिंद साथियों, मैं हूं वकील अहमद और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी। अगर हमें बच्चे के विकास की अवस्थाओं के बारे में नहीं पता है तो यकीन मानिए हम उसको कुछ सिखा भी नहीं सकते, और पहला शिक्षक पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स में भी माता सबसे पहली शिक्षक होती है। तो चलिए बात करते हैं इन्फेंट डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पहले 3 वर्षों के विकास के बारे में, यानी कि जीवन के बच्चे के जो जीवन में पहले 3 वर्ष हैं उस विकास के बारे में। हम इसको 4 भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। पहली बात होगी कि किन वैज्ञानिकों ने, किन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने थ्योरीज क्या क्या दी हैं और क्या बात कही है। दूसरी हम बात करेंगे शिशु विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे शैशवावस्था में विकास के प्रकार तथा सभी का अंतर संबंध और उनका प्रभाव क्या होता है। यानी इसमें हम बात करेंगे जैविक तंत्रिका विकास का, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषाई संचार विकास का। ये आपस में इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में इतनी ज़्यादा घुले मिले होते हैं कि अगर एक चीज़ का विकास नहीं हो रहा, एक फेज़ का विकास नहीं हो रहा, एक स्तर का विकास नहीं हो रहा, तो दूसरे स्तर का विकास प्रभावित होता है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे खतरनाक कारक कौन कौन से हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें ये याद रखने वाली बात है कि पहले 3 वर्षों के विकास के बारे में ही हम बात करेंगे। वीडियो 2 भागों में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप अनपढ़ लोग हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप इसको शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने सवाल कीजिएगा, और इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों के, आपके बच्चों के लिए और आप शिक्षक साथियों के लिए अच्छी अच्छी बात आ सके और आप एक बेहतर टीचर बन सके। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप चाहे कहीं पर भी कुछ भी पढ़ाते हों, आप मुझसे जुड़कर एक अच्छे शिक्षक बनने का सुनिश्चित कर सकते हैं, वादा ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की। अगर हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, उनके पहले 3 वर्षों की बात करें, तो सबसे पहला नाम आ जाता है सिगमंड फ्रॉयड का। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है सबसे पहले वो सेक्सुअली ओरिएंटेड होता है, यानी कि पहली जो उसकी अवस्था होती है वो मुंह पर ओरिएंट होती है, और दूसरी बार बाद में वो एनल पर आ जाता है। इसमें उन्होंने 2 अवस्थाएँ बांट दी है कि वो 18 महीने तक जो है वो मुँह पर उसका फोकस रहता है, यानी कि जो भी उसके आसपास जो मुंह है, मुंह से ही उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती है और उसी से वो सीखने समझने की कोशिश करता है। दूसरी बात, वो यहाँ से हट करके अपने एनल यानी जननांगों की तरफ बढ़ जाता है और उसके हिसाब से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा होता है। जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बात की है, और इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है, बच्चा का संज्ञानात्मक विकास क्रिया आधारित हो जाता है, इसके बाद ही वो आगे बढ़ पाता है। तीसरे नंबर पर एरिक रिक्सन है, इन्होंने साइकोसोशल थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि जैसा भी समाज होता है उसके हिसाब से बच्चा उसमें ढलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, यानी समाज आधारित व्यवहार वो कर रहा होता है, किसी को वो दूर कर रहा होता है, किसी को अपना रहा होता है, और उसी के हिसाब से अपने हाव भाव को बदल रहा होता है, उनको एक्सेप्ट कर रहा होता है। चौथे नंबर पर मार्गरेट महलर हैं, मुझे इनकी बहुत अच्छी थ्योरी लगी सेपरेशन की। इन्होंने कहा है कि बच्चा शुरू में तो ऑटिस्टिक होता है, इनको अपने आप में खोया रहता है, उसके बाद वो दूसरी चीज़ों में संलिप्त होना शुरू करता है, लेकिन वो भी इच्छा आधारित होता है, यानी बचपन से ही बच्चा बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होता है, सेल्फ ओरिएंटेड होता है। जॉन बॉलबी ने कहा है कि बच्चा अटैचमेंट पे आ जाता है, अटैचमेंट मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से वो किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहा होता है। सबसे प्रारंभ में वो खुद से ही कनेक्ट रहता है, उसके बाद मम्मा से कनेक्ट होता है, फिर वो थोड़ा और अपने समाज को विस्तारित करता है। इसमें वो स्वार्थी होता है पूरी तरीके से, कि वो उन्हीं चीज़ों से अटैच करता है जो उसके मतलब की हुआ करती हैं। फिर होता है डेनियल स्टेन, इन्होंने कहा है सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कि इन्होंने भी यही बात कही कि खुद को, यानी कि खुद के विकास के बारे में, अपने बारे में बच्चा जो है वो जान रहा होता है, वो सेल्फ के बारे में यानी खुद के बारे में बहुत ज़्यादा जान रहा होता है, अपने बारे में जागृत होता है, फिर थोड़ा और ज़्यादा जागृत होता है, फिर वो वस्तुओं के ऊपर आकर के की जागृति उसके अंदर आती है, और अंत में यानी कि 3 वर्ष की अवस्था में वो बच्चा भाषाई जागृति की तरफ बढ़ जाता है। तो ये बात तो थी थ्योरीज के बारे में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पेरेंट्स, जो टीचर्स ये समझना चाहते हैं कि 3 वर्ष की अवस्था में विकास कैसे होता है, तो इनकी थ्योरीज को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा। एक आध को मैंने छोड़ा है, उनको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अगले फेज़ पर। अगले फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैविक तंत्रिका विकास, सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका जैविक तंत्रिका विकास होता है, यानी कि उसका शरीर विकसित हो रहा होता है और उसकी तंत्रिकाएँ, हाथ पांव को चलाने की, आंखों कानों को, जो तंत्रिकाएँ हैं इनकी, इनका विकास हो रहा होता है। फिर आ जाता है उसका संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बच्चा कुछ अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसके मन मस्तिष्क में
उसको ग्रहण करने की जो क्षमता होती है या उसको सीखने की अनुभवों को एकत्र करने की जो क्षमता होती है वो हो रही होती है। फिर आ जाता है भावनात्मक विकास, यानी कि बच्चे को भावनाओं का जो विकास है वो मिल रहा होता है, माँ से मिल रहा होता है, समाज की गतिविधि से, उसके आवाज़ से, और जो उसको विजुअल एक्सपोजर मिलता है, जो कुछ वो देख रहा होता है उनसे उसकी भावनाएँ प्रभावित हो रही होती है। मौसम का बड़ा प्रभाव होता है खाने पीने का, और उसकी बात को न सुने जाने का या सुने जाने का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। मैं इन पर चर्चा करूँगा। और इसके बाद आता है भाषाई विकास, बच्चा जो कुछ भी सुन रहा होता है उसका उसको ग्रहण भी कर रहा होता है, साथ ही साथ ग्रहण करने के साथ वो उसको आउटपुट देने की कोशिश भी करता है, इसके प्रति रिएक्शन करने की कोशिश भी करता है। फिर आ जाता है सामाजिक विकास, आखिरकार बच्चा सामाजिक ही प्राणी होता है, समाज में आकर ही एक अच्छा प्राणी बनना होता है, इसीलिए उसके जितने भी एक्शन होते हैं वो समाज अप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि वो समाज में अपने आप को शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शिशु विकास के प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम शिशु विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो बच्चे की खुद की क्रियाशीलता, यानी कि खुद बच्चा इन्वॉल्व होता है अपने आप को विकसित करने के लिए, फिर प्रतिभाग करता है वो उसके अंदर, जैसा जैसा समय उसके साथ आगे बीतता रहता है, जैसे जैसे बच्चा एक्सपोजर में आता जाता है, माता के साथ इंटरेक्शन करता है, वैसे ही वो उसमें प्रतिभाग भी करता है, यानी मम्मा अगर उसको प्रेम करती है तो वो भी प्रेम का शो करता है, प्रेम दिखाता है। फिर होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, जी हाँ, लड़की लड़का साथ साथ उसके इनहेरेंट यानी कि पहले से माता पिता से आए हुए गुण उसको जो दूसरों से अलग करते हैं वो भी उसके विकास में प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। उसकी एक विशेषता होती है बच्चे की, अपने आप में एक विशेषता लिए हुए बच्चा पैदा होता है जो उसके विकास को प्रभावित करता है। देखभाल करने वाले का वातावरण, यानी कि कौन उसकी देखभाल करता है इस समय पर, मम्मी या पापा और साथ, या फिर कोई आया तो उनके देखभाल करने वाले के जो व्यवहार है उसका जो वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करेंगे, जैविक वातावरण, व्यक्तिगत संबंध क्या होते हैं, संस्कृति, तकनीक, परिवार, शिक्षा और सुविधाएं क्या क्या मिल रही है, भोजन, रहन सहन, दृष्टिकोण और बीमारी, इन सब के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा सेकंड वीडियो में। खतरनाक कारक क्या है, गरीबी। गरीबी बहुत बड़ा कारक है जो विकास को बहुत ज़्यादा तौर पर प्रभावित कर देता है, यानी अकेला कारक है जो इन तमाम चीज़ों को प्रभावित करता है। फिर आता है शिशु के साथ व्यवहार, यानी कि उसके साथ में कैसा बर्ताव हो रहा है, और माता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन ही बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में भी और विदेशों में भी। अपरिपक्वता और तनाव, ये तनाव की जो स्थिति है ये माता और बच्चे दोनों के अंदर आ सकती है, बहुत जल्दी आ सकती है। और अपरिपक्वता मतलब बच्चा पहले ही पैदा हो चुका है, अपरिपक्वता के वातावरण में पैदा हुआ है। फिर आता है शैशवावस्था में गंभीर बीमारियां, जी हाँ, अगर बीमारियां उसको हो जाती हैं तो भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा। इन बातों को विस्तार से समझना है हमें सेकंड वीडियो के अंदर, तो इसके बाद जो वीडियो आ रहा है उसको आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ साथ ही साथ में, वो आपके नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है। मुझे विश्वास है आप शिक्षक होने के नाते हमसे जुड़कर आगे बढ़ेंगे और हमारा सपोर्ट भी करेंगे, साथ ही साथ खुद सीख करके अपने बच्चों के अंदर ये परिवर्तन लेकर आएंगे, उनके पेरेंट्स तक के अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। एक अच्छे शिक्षक बनोगे, एक रिप्रेजेंटेटर बनोगे एजुकेशन के मामले में, तो मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिएगा सेकेंड वीडियो हमारी, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।